बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। तमाम हाजिर सर्विस रिटायर्ड और पेंशन जितने भी लोग हैं उनके लिए, फैमिली पेंशन के लिए बड़ी ज़बरदस्त वीडियो, इसको बिल्कुल स्किप ना करें। और इसमें हुकूमत की तरफ से ऐसी मरात दी जाती हैं जो कि सरकारी मुलाजमीन को इसके बारे में पता ही नहीं होता, तो इसको बिल्कुल स्किप ना करें। मुकम्मल तौर पर आपको जानकारी मिलेगी और इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त ये वीडियो होने जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के लिए हुकूमत की तरफ से जो मराद दी जाती है। नंबर एक बात करें तो माली मुआवनत यानी फाइनेंशियल असिस्टेंट स्केल 1 से लेकर 20 और उससे अबव को 16 लाख से लेकर 40 लाख तक उसको रकम मिलती है। आप ये यकीन करें कि एक बंदा दौरान सर्विस उसकी इतनी कदर नहीं होती। अगर वफात पा जाने के बाद वो कहते हैं कि लाख का और बाद में 1.25 लाख वाली बात है, दौरान सर्विस वफात पा जाते तो स्केल 1 से लेकर 4 तक को 16 लाख, इससे ऊपर 22, 25 और 40 लाख तक रकम दी जाती है फौरी तौर पर फाइनेंशियल असिस्टेंट की मद में। लेकिन इसके बारे में डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह जल्दी। और उसके बाद फैमिली पेंशन, उस नंबर दो पे तनख्वाह मां सालाना इजाफा जात तब वक्त रिटायरमेंट, इस OSD पोस्ट एक क्रिएट कर दी जाती है कि एक बंदा जब वफात पाता है दौरान सर्विस, अगर वो मतलब 50 साल की उम्र या 55 साल की उम्र में, तो यानी कि 60 साल तक उसके लवाहिकीन को उसकी एक पोस्ट जो वो जिस पोस्ट पे वो काम करता था उसमें सालाना तरक्की समेत उसकी महाना तनख्वाह उनके घर जाती रहेगी। इसके अलावा उसको फैमिली पेंशन मिलेगी, ग्रेजुएटी मिलेगी। नंबर तीन की बात करें तो फैमिली पेंशन उसको मिलेगी रूल्स के तहत, रूल 4.10 के तहत फैमिली यानी उनको पेंशन 1967 रूल के तहत फैमिली पेंशन मिलेगी, जिस तरह दूसरे मुलाजमीन को पेंशन महाना मिलती है। सरकारी रहाइश का वक्त रिटायरमेंट यानी रिटायरमेंट 60 साल तक वो अपनी रहे, अगर 55 साल की एज में वफात पा गया तो 60 साल तक वो रहाइश सरकारी रख सकता है। एक बच्चे को फौरी तौर पर 70A के तहत जो है स्केल नंबर 1 से लेकर 11 तक यानी क्लर्क्स तक उसको जो है वो पोस्ट मिलेगी। और उसके साथ ही अगर वो पोस्ट नहीं लेना चाहता तो वो उससे ऊपर वाली पोस्ट ले सकता है, उसमें 10 नंबर उसको इजाफे मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इलाज मुआवजा की सहूलत बराए फैमिली, उसके फैमिली को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इंटाइटल यानी मेडिकली रिलीफ मिलेगा। जैसे मेडिकल डॉक्टर पर फ्री मेडिसिन ले सकते हैं, आप अपना इलाज करवा सकते हैं। और इसके अलावा GP फंड जो उसका बनता होगा वो उसको मिलेगा विद इंटरेस्ट, और 1 साल की छुट्टियों की तनख्वाह मिलेगी, लीव इनकैशमेंट जिसको कहते हैं। और उसके साथ ही 4 माह की तनख्वाह फौरी तौर पर अदा की जाएगी, और ग्रुप इंश्योरेंस 2 लाख से लेकर ऊपर 8-10 लाख तक मिलेगी। इसके बारे में तफसीली वीडियो आपको एक दिन इंशाल्लाह बनाऊंगा। और इसके साथ साथ नंबर 11 की बात करें तो फ्राहमी प्लाट बराए ऐसे मुलाजमीन जो पंजाब हाउसिंग फाउंडेशन के तहत जिनको प्लाट मिलता है, तो उनको वो एक साथ नहीं अदा करनी पड़ेगी बकिया भी, और उनको प्लाट भी फौरी तौर पर दिया जाएगा। महाना अमदाद बजरिया बहबूद फंड मंथली ग्रांट जो बनावलट फंड से भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से उनको मिलेगी, और इसके अलावा अलविदाई ग्रांट भी मिलेगी जिसमें जो है ये खास तौर पर गजटेड मुलाजमीन के लिए अलविदाई यानी कि फेयरवेल ग्रांट जिसको कहते हैं, ये भी उनको मिलेगी। इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि कितनी मिलेगी। तजहीज़ो तकफीन के बारे में भी यानी तजहीज़ो तकफीन की रकम भी फौरी तौर पर उसको रकम अदा की जाएगी। बेटी की शादी की ग्रांट भी उसको दी जाएगी, और इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई का वजीफा जो स्कॉलरशिप होता है हर साल, उसमें भी उसको पूरा हिस्सा दिया जाएगा। तो आज की ये वीडियो थी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।